లక్ష్యం మీదైతే దానిని అందించడమే విన్స్ లక్ష్యం. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యు, వెల్కమ్ టు విన్స్ డిఫెన్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. మేరా నామ్ జీ సత్యనారాయణ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. फौज में 20 साल सर्विस करके एज ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर रिटायर्ड होगा. 2015 में मैं रिटायर्ड होने के बाद विम्स डिफेंस एकेडमी में सेवारत हूं. अभी कुछ नॉर्थ इंडियंस का कुछ प्रॉब्लम है फौज में जाने के लिए किस टाइप में एंट्री होता है. तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर एक जवान 10th क्लास 10वीं के बाद 10+2 इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन के हिसाब से किस हिसाब से एंट्री होना है, उसके लिए मैं एक इस YouTube चैनल से आपको एक थोड़ा सा परिचय देता हूं. मेरा नाम सत्यनारायण है. मैं आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन हूं. अगर मेरा भाषा में कुछ प्रॉब्लम है तो ट्राई कीजिएगा समझने के लिए. नाउ क्लास डिफेंस फौज. फौज में जाने के लिए तीन हिसाब से हम फौज के अंदर एंट्री हो सकते हैं. एज ए ऑफिसर रैंक, जेसीओ एंड एनसीओ रैंक और ट्रेडमैन के हिसाब से. ऑफिसर रैंक जिसको एनडीए थ्रू, नेशनल डिफेंस एकेडमी थ्रू ऑफिसर कैटेगरी में एंट्री हो सकते हैं. दूसरा कैटेगरी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन ऑफिसर्स जो 10वीं के पास 10+2 को पूरा करने के बाद इसके अंदर एंट्री हो सकता है. और नंबर तीसरा है ट्रेड्समैन. इस हिसाब से हम तीन तरीके से हम फौज के अंदर एंट्री कर सकते हैं. अभी सबसे पहले ऑफिसर रैंक एनडीए क्लियर करने के लिए आपका उम्र जो है 16 साल से 19 साल के बीच में आप 5 बार एनडीए एग्जाम दे सकते हो थ्रू यूपीएससी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू. एनडीए हर छह महीने में एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, तो साल में 2 बार लिख सकते हो. 16.5 साल से 19 साल के बीच में आप पूरा 5 बार आप एग्जामिनेशन एनडीए क्लियर कर सकते हो. जो एनडीए के थ्रू फौज के अंदर जाएगा उसको इंडियन कमीशन रैंक्स कहते हैं, आईसी कमीशन, इंडियन कमीशन रैंक्स, जिसको आप एनडीए थ्रू क्लियर करना पड़ता है. इसके अंदर 5 साल की ट्रेनिंग होता है जिसमें आपका ग्रेजुएशन, जो फौज के अंदर इंजीनियर बनना चाहता है, फौजी इंजीनियर जैसे डिफेंस इंजीनियरिंग ग्रुप, डिफेंस मेडिकल कोर एंड डिफेंस एजुकेशन कोर के अंदर आप 6 बार हो सकते हो. और दूसरा एंट्री है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जिसके लिए उम्र जो है 17.5 साल से, जो सरकार के हिसाब से 17.5 साल से 21 साल के बीच में आप जूनियर कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर के अंदर आप एंट्री हो सकते हो. जिसके लिए मिनिमम हाइट आपका स्टेट के हिसाब से, अगर साउथ इंडियन हो तो 167 सेंटीमीटर होना जरूरी है, अगर नॉर्थ इंडियन हो तो स्टेट वाइज आपका हाइट दिया गया है, 170 सेंटीमीटर से शुरू होता है. सो मिनिमम हाइट इसके लिए 165 सेंटीमीटर से 170+ होने से आप फौज के अंदर आप एंट्री हो सकते हो. दूसरा है ट्रेडमैन. ट्रेडमैन मतलब जो फौज के अंदर को अन्य ट्रेड से, जैसे एक क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन में जैसे कुक हो गया और बार्बर हो गया, असिस्टेंट्स जो भी है अदर कैटेगरी से, जिसके अंदर कई ट्रेड से जिसके अंदर आप 10वीं किया हो और 25 साल की उम्र है, इसके उम्र जो है 17.5 से लेके 25 साल तक आप फौज के अंदर एंट्री हो सकते हो. के अंदर एंट्री होने के लिए जैसे एनडीए थ्रू जो जाएगा उसको ऑफिसर रैंक कहते हैं, और जेसीओ से एनसीओ में जाएगा उसको जनरल ड्यूटी और टेक्निकल ट्रेड्स कहते हैं, जो ट्रेडमैन के साथ जाएगा उनको ट्रेड्समैन कहते हैं. इस हिसाब से हम तीन हिसाब से तीनों फौज में जा सकते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. डिफेंस के अंदर तीनों फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए तीन हिसाब से हम एंट्री हो सकते हैं. जिसके लिए एनडीए थ्रू ऑफिसर रैंक, जिसका उम्र जो है 16.5 साल से 21 साल 19 साल के बीच में 5 बार आप
एनडीए लिख सकते हो 10+2 के हिसाब से, जिसके लिए इंडियन कमीशन रैंक्स कहते हैं। दूसरा एंट्री है जिसका उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में है, अगर वो आप जेसीओ एनसीओ करना चाहते हो तो आपका 165 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर जो स्टेट के हिसाब से हाइट होना चाहिए, ये दूसरा एंट्री है। और तीसरा एंट्री जो है ट्रेडमैन, जिसे 17.5 साल से लेकर 25 साल के बीच में 10वीं किया हो, अगर 8वीं किया हो, 8वीं पास हो और 10वीं फेल हो, तो इसके अंदर कुछ ट्रेडमैन के लिए आपके लिए कुछ एंट्रीज जरूरी है। इसी हिसाब से विम्स डिफेंस ब्रिगेड में हम फौज के अंदर एंट्री होने के लिए पूरा नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस को बनाते हैं, हमारा शेड्यूल्स और किस हिसाब से ट्रेनिंग होता है और किस चीज की पढ़ाई की जरूरत है वो आपको अन्य चैनल में नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।